आज हम सब लोग अपवर्तक के बारे में सीखेंगे। अपवर्तक के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 12 गोलियों को इस प्रकार रखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या समान रहे। हमने सबसे पहले 12 गोलियों को एक पंक्ति में रखा है। एक पंक्ति में रखने के पश्चात इसे हम दो पंक्तियों में रखने का प्रयास करेंगे। यदि 12 गोलियों को दो पंक्तियों में रखें तो 6 गोलियां इस पंक्ति में और 6 गोलियां इस पंक्ति में रखी जा सकती हैं। 12 गोलियों को यदि हम तीन पंक्तियों में रखें तो 4-4 गोलियां तीनों पंक्तियों में रखी जा सकती हैं। यदि 12 गोलियों को चार पंक्तियों में रखना चाहें तो 3-3 गोलियां रखी जा सकती हैं, अर्थात 3×4=12। यदि इन्हें हम पांच पंक्तियों में रखना चाहें तो बराबर बराबर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि दो गोलियां बच रही हैं। यदि 12 गोलियों को 6 पंक्तियों में रखना चाहें तो 2-2 गोलियां रखी जा सकती हैं, अर्थात 2×6=12। यदि इन गोलियों को हम 7, 8, 9, 10, 11 पंक्तियों में रखना चाहें तो इन्हें हम नहीं रख सकते हैं, अर्थात अब हम अगर इन्हें 12 पंक्तियों में रखना चाहें तो हम रख इन्हें 12 पंक्तियों में रखते समय हम रख सकते हैं। इस प्रकार 12 गोलियों को एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, छह पंक्ति और 12 पंक्तियों में ही रखा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या 12 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से विभाजित हो जाती है, और कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अतः 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। 12 के 6 अपवर्तक होते हैं।